छात्रों को जन जन का संदेश हिंदी बोलेंगे हम, हिंदी बोलने के लिए कहेंगे हम। आज दिनांक 14 सितंबर 2022 को RSD अकेडमी पब्लिक स्कूल में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया हिंदी दिवस, जहां सभी छात्र छात्राओं ने मिलकर दिया संदेश। हिंदी भाषा है हमारी शान, हर हिंदुस्तानी की अभिमान है हिंदी भाषा, गर्व से बोलो हिंदी भाषा, यही है हमारी मातृभाषा। सर्वप्रथम RSD के निर्देशक डॉक्टर विनोद कुमार ने सभी छात्रों को हिंदी दिवस की बधाई देते हुए कहा कि हिंदी हमारी भाषा है, जन जन को जो अमृत पहुंचाए ऐसी हमारी मातृभाषा है, गर्व करो शान से, हिंदी बोलो अभिमान से। तो वहीं RSD की निर्देशिका डॉक्टर जी कुमार ने सभी छात्रों को हिंदी बोलने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि जिसने सबके मन मन को मोह लिया ऐसी मन मोहिनी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है, इसलिए हिंदी भाषा का प्रयोग कर देश को गौरवान्वित करें। इस अवसर पर प्रधानाचार्य अभिषेक शर्मा ने छात्रों द्वारा बनाए गए स्लोगन तथा पोस्टर की प्रशंसा की। तो वहीं प्रतियोगिता का आयोजन कल्पना पांडे व निरीक्षण अंजू सुखीजा व ज्योति पाठक के द्वारा किया गया तथा लेफ्टिनेंट कुमारी सुखरानी के संरक्षण में इस प्रतियोगिता को सम्पन्न कराया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मयंक शर्मा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर ज्योति गुप्ता, समीक्षा अग्रवाल, शैली, सीमा, सरिता सिंह, निपुण, अमन कश्यप, मोहम्मद हुसैन आदि अध्यापक व अध्यापिकाओं ने सभी छात्रों की प्रशंसा की तथा अंत में खुशी व रिजूल ने अपने शब्दों के माध्यम से जन जन को हिंदी भाषा के महत्व से अवगत कराया। सुप्रभात, मैं खुशी भटनागर आपके समक्ष हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर अपने द्वारा लिखित एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कविता का शीर्षक है हिंदी की अभिलाषा। जन जन की आवाज है हिंदी, जो तन मन से निकले वो भाषा है हिंदी, जो सात सरों से सरगम बनाती वो भाषा है हिंदी, जो सारे जहां में अपने भारत को मान बनाती वो भाषा है हिंदी। हिंदी न सिर्फ एक भाषा है बल्कि हर हिंदुस्तानी के दिल की अभिलाषा है। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी, हमारे देश की संस्कृति है हिंदी, हमारे भेष में भी झलकती है हिंदी। हिंदी शब्दों की नई भावनाओं की भाषा है, हिंदी शासक के लिए हर भारतीय के हृदय पर राज करे, यही हमारी अभिलाषा है। मैं डॉक्टर मयंक शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी, RSD ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, सभी भारतवासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही मैं आज गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि भारत देश की जो राजभाषा हिंदी है, उस दिवस पर आज मुझे आप सबके समक्ष आने का, बोलने का मौका मिला। इसके संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि भारत देश में जो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में ये दिवस मनाया जाता है, इस दिन 1949 में भारत को अपनी भाषा राजभाषा के तौर पर हिंदी को स्वीकार करने का एक उत्तम दिन चुना गया, और इसी वजह से हर वर्ष 14 सितंबर को हम ये दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इस उपलक्ष्य में आज RSD समूह के विभिन्न विद्यालय और महाविद्यालयों में छात्र छात्राओं के द्वारा संदेश और प्रचार प्रसार हेतु विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वांगीण विकास हेतु हिंदी की उपयोगिता और भारत देश का जो गौरव है हिंदी भाषा, उसके ऊपर बच्चों ने रंग बिरंगे चार्ट बनाकर और उसके ऊपर अपने संदेशों को बताकर जन जन तक ये पहुंचाने का प्रयास किया है कि हिंदी भाषा हमारे दिलों की भाषा है और हमें इस भाषा में गर्व करना चाहिए और हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा कार्य हिंदी में कर सकें और अपनी भूमिका इस हिंदी के प्रचार प्रसार में लगा सकें। इस उपलक्ष्य पर RSD समूह के निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार, निदेशिका डॉक्टर श्रीमती जी कुमार के द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन करते समय निर्णायक मंडल के रूप में अंजू सुखीजा मैडम और ज्योति पाठक RSD समूह के निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार ने सभी छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं को संबोधित करते हुए हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति से मिलने वाले आनंद के बारे में चर्चा करते हुए सभी को प्रेरित किया कि हिंदी भाषा को ज्यादा से ज्यादा प्रयोग में लाएं। वहीं RSD समूह की निदेशिका डॉक्टर श्रीमती जी कुमार ने भी सभी छात्र छात्राओं को हिंदी भाषा के अंतरंगता और उसमें पाए जाने वाली मिठास के बारे में जानकारी दी। इस प्रतियोगिता का आयोजन हमारी लेफ्टिनेंट कुमारी सुखरानी के द्वारा किया गया और सभी छात्र छात्राओं ने बहुत ही अच्छी ढंग से अपने हिंदी भाषा की प्रस्तुति सभी के समक्ष प्रेषित की। कार्यक्रम के दौरान RSD समूह के सभी महाविद्यालय और विद्यालय के अध्यापक एवं अध्यापिकाएं उपस्थित रहे। धन्यवाद।